पर एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका साइज है एम बाई एन, और यहाँ पर आई एम या आई एन जो डिनोट करता है वो यूनिट मैट्रिक्स को करता है जिसमें एम रोज या एन रोज होंगी। तो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, यहाँ पर ए आई एम लिखा गया है, तो देखते हैं ए आई क्या डिफाइन है। जो मैट्रिक्स ए है उसका साइज है एम बाई एन और आई का जो साइज है वो एम बाई एम है, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, आई एन ए यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन बी में, यहाँ पर देखते हैं आई एन बाई एन और ए का जो साइज है वो एम बाई एन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, आई एम ए यहाँ से ए का जो साइज है वो एम बाई एन है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिफाइन होगा। दूसरा है ए आई एन, ए का जो साइज है वो एम बाई एन है, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट डिफाइन होगा, और दोनों से हमें मैट्रिक्स ए मिलेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेक करते हैं कि डी ट्रू है या फॉल्स है, ए का जो साइज है वो एम बाई एन है और आई का जो साइज है वो एम बाई एम है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। गिवन प्रॉब्लम के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है।